बाकी चलो सर के पास चलो सर क्योंकि बाहरी राज्यों से अभी और भी लोग आने हैं, तो किस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटी है दी जा रही है लखनपुर में? बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है, लोग आए यहाँ देखें अमरनाथ के दर्शन। सारी सुविधाएं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सारी सुविधा के साथ बिल्कुल आरामदायक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रहा है। यात्री रजिस्ट्रेशन करके लंगर का आनंद लेके चाय पानी पी के आगे अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो कितना उत्साह देखा? तो मैं बहुत उत्साह, जैसा कि आपने सुबह देखा श्रद्धालुओं में, सुबह से ही आज से यहाँ पे लाइन लगी हुई है, पूरा उत्साह है यात्रा करने के लिए। खासतौर से ऐसा है कि मौसम भी श्रद्धालुओं का साथ दे रहा है, तो उसमें श्रद्धालु बहुत ही खुशी से और पूरे मर्यादा के साथ आगे। सर कसौली पेंटिंग भी हर जगह और कठुआ के लोकल प्रतिभा को, ये लोकल आर्टिस्ट से ज्यादा ये हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जो इसको यहाँ पे पेंटिंग को बना रहे हैं। कसौली पेंटिंग जैसे कि आप जानते हैं ये टैग वाली पेंटिंग है जो कठुआ की कसौली की फेमस, बहुत ही अब तो पूरे देश में ये प्रसिद्ध होने लगी है। तो इसीलिए क्योंकि जब यहाँ पे इतने भारी मात्रा में यात्री आते हैं, प्रशासन ये चाहता था कि ऐसी पेंटिंग जगह जगह पे हो ताकि लोग शुरू करें और लोग भी देखें कि जम्मू कश्मीर में कठुआ में बसोली में लोग कितने ज्यादा कार्यरत हैं और कितना उनमें कैपेबिलिटी और डील है। सर क्या देखते हैं कि इस तरह की प्रतिभा में कितनी मदद मिलेगी यात्रा के माध्यम से? ये जब से ये पेंटिंग हुई है तो लोग भी यहाँ पे रुक के, बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक के फोटो खिंचा रहे हैं, लोग इसकी बात कर रहे हैं, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये पेंटिंग कहाँ से मिलेगी घर ले जाने के लिए। जब
लोग यहाँ पे इतने यात्री यहाँ पे आ रहे हैं 3 लाख से ऊपर यात्री आएंगे, जब वो इस पेंटिंग को घर लेकर जाएंगे तो इसकी प्रसिद्धि पूरे देश में जरूर होगी। सर एक सेल्फी बारे में, सेल्फी पॉइंट के बारे में, ये क्योंकि कठुआ एक गेटवे है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसको एक गेटवे को अच्छी तरह से दिखाने के लिए एक सुंदर दृश्य बनाने के लिए ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। तो इसलिए ऐसे मैं कहूँगा कि ये एक शुरुआत है, हमें ऐसे ही पूरे शहर को पूरे ज़िले को अपने साफ और स्वच्छ करके ऐसे बहुत से अनेक पॉइंट बनाने हैं जहाँ पे कि टूरिज्म के माध्यम से जो यात्री यहाँ पे आते हैं वो कठुआ में कुछ दिन अपने